कलेक्टर एवं एसपी ने किया नगर का दौरा, दिए निर्देश। सुल्तानपुर नगर में आज लॉकडाउन से पहले जिला दंडनीय अधिकारी उमाशंकर भार्गव एवं एसपी मोनिका शुक्ला ने नगर का दौरा किया और नगर के बाजारों का निरीक्षण कर नगरीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार को सतर्कता लाने के निर्देश दिए। वहीं एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर महोदय और हम संयुक्त रूप से जिले के नगर बेगमगंज, सिलवानी, बाड़ी, बरेली होते हुए नगर सुल्तानपुर आए हैं और हम निरीक्षण कर जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर 100 रुपये का जुर्माना और जो दुकानदार शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लागू होगा जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस लॉकडाउन के अंतर्गत अति आवश्यक चीज़ें जैसे दूध, दवाइयों, ATM, पेट्रोल पंप और शासन द्वारा चिन्हित सूची जारी की गई है जिसके अंतर्गत वे खुले रहेंगे। कलेक्टर साहब ने जैसा बताया, आज कलेक्टर साहब और मैं हम संयुक्त रूप से देवनगर, सिलवानी, बरेली, बाड़ी और उसके बाद अभी सुल्तानपुर आए हैं। यहाँ हम सभी को मास्क पहनने की समझाइश भी दे रहे हैं, साथ ही जो लोग अवहेलना कर रहे हैं उसको 100 रुपये का मास्क ना लगाने का चालान भी बना रहे हैं। यदि किसी दुकान में उनके ग्राहक या स्वयं दुकानदार मास्क पहने नहीं है या अत्यधिक भीड़ भाड़ है उस दुकान को बंद करने या उस पर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम FIR भी कर रहे हैं। अभी हमने विगत 3 दिन में लगभग 16 FIR आपदा प्रबंधन के अंतर्गत की है। अभी आज शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसमें जो अत्यावश्यक सेवाएँ हैं जैसे ATM है, पेट्रोल पंप हैं, मेडिकल की फैसिलिटी हैं, ये खुली रहेंगी। इसके अलावा एक सूची जारी की गई है कि इन इन चीज़ों को इस बंद से मुक्त रखा है। इसके अलावा पुलिस इन 2 दिनों में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कार्यरत रहेगी। याद रखिएगा कि पुलिस, राजस्व तथा डॉक्टर सभी लोग जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको भी मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर इस अभियान को सफल बनाना है। आप मास्क इसलिए ना पहने कि सामने चालान हो रहा है, आप मास्क इसलिए पहने क्योंकि ये आपके जीवन के लिए जरूरी है। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोगों ने, हमने और एस मैडम दोनों ने मिल करके पूरा दहगांव, गढ़ी, गैरतगंज, सिलवानी और बमहोरी, बरेली, बाड़ी और यहाँ सुल्तानपुर, ये सभी जगह जो कोविड के लिए हम लोग अवेयरनेस अभियान आज चलाए हुए हैं। और आपके माध्यम से सभी से अनुरोध भी है कि कोविड की रोकथाम और कोविड पर कंट्रोल के लिए ये आवश्यक है कि हम सब मास्क लगाएं, एक उचित दूरी बना करके रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और यदि किसी को भी लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, अभी जो लॉकडाउन है, आपको मालूम है शासन का आदेश जो है शनिवार, आज जो शुक्रवार है, आज शाम को 6 बजे से लेकर के सोमवार को प्रातः 6 बजे तक है। कुछ चीज़ों को इसमें छूट दी गई हैं, और ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है आपकी जानकारी में कि जो भी अत्यावश्यक सेवा है उसमें उनको उससे छूट दी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें आप सबको मिलकर के इस कोरोना महामारी पर यदि काबू पाना है तो इसके लिए मास्क पहनना होगा, दूरी बना के रखनी होगी, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, हाथ भी साबुन से बार बार धोने होंगे।